क्या जिंदा है आदित्य, क्या झूठ थी आदित्य की मौत। स्टार प्लस के शो ये है मोहब्बतें में आजकल चल रहा है आदित्य की मौत का सस्पेंस। आदित्य की मौत भल्ला हाउस में तूफान ले आई है। ये तो आप जानते ही हैं कि शीता ने सबके सामने आदित्य की हत्या कर दी थी और पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दिया था। इशिता के अरेस्ट होने के बाद शो में 8 महीने का लीप आएगा और लीप के बाद रमन और रूही इशिता को जेल से रिहा करने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे। रूही आदित्य को जिंदा देख लेगी और शॉक्ड हो जाएगी कि ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि आदि तो उसके सामने मर चुका था। रूही आदित्य से बात करने की कोशिश करती है लेकिन आदि किसी से बात नहीं करता है और न ही किसी को पहचानता है। रमन और रूही आदि की हेल्प लेंगे इशिता को जेल से बाहर निकालने के लिए। भल्ला परिवार में रमन और रूही के अलावा सब इशिता के अगेंस्ट है, लेकिन रमन किसी तरह इशिता को जेल से निकाल लेगा। इशिता के लिए रमन अपनी फैमिली से भी अलग हो गया है। पहले सवाल ये है कि क्या आदि सच में जिंदा है या उसका कोई हमशक्ल, या फिर इशिता को फंसाया जा रहा है। टीवी से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल और इसे सब्सक्राइब जरूर करें।